इंटरनेशनल रिपोर्ट में हम सीधे बात कर लेते हैं इसराइल की, क्योंकि इसराइल जिन देशों को अपना मददगार मान रहा था, अचानक उन देशों ने एक साथ इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्ला के समर्थन का ऐलान कर दिया है। सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या इसराइल को लेकर ईरान और सऊदी अरब की सीक्रेट डील हो गई है, और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। ये वीडियो लेबनान से आया है। इसे रिकॉर्ड करने वाला इजराइल का ड्रोन है और नीचे भागते हुए लोग हिजबुल्ला के लड़ाके हैं। गौर से देखिए ये वीडियो। ये दोनों भागते हुए एक बिल्डिंग में दाखिल होते हैं ताकि इजराइल के ड्रोन इन्हें देख ना ले, लेकिन होता वही है जो इजराइल का ड्रोन चाहता है। ये उत्तरी इसराइल और दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर का इलाका होडा है और यहाँ पर इसराइल ने ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अब ये वीडियो देखने के बाद क्या हिजबुल्ला चीफ गुस्से में होगा? क्या बेंजामिन नेतन्याहू जश्न मनाएंगे? कौन गुस्सा होगा, कौन खुश, या फिर इसका उल्टा होगा? क्योंकि लेबनान और इसराइल के बॉर्डर पर चल रहे युद्ध के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने इसराइल की उम्मीदों के बड़े परखच्चे उड़ा दिए हैं। खबर ऐसी है कि हिजबुल्ला सेंटर स्टेज पर आ गया है और अरब देशों का बॉस कहा जा रहा है। लेबनान के इस मिलिशिया को जो अरब देश दुश्मन मानते हैं, अचानक वो हसन नसरल्ला के इर्द गिर्द इकट्ठा होना चाहते हैं। हसन नसरल्ला अब अरब देशों का बॉस बनकर उभरने लगा है। नसरल्ला और हिजबुल्ला को लेकर पूरे पश्चिम एशिया में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। इसकी वजह है ये खबर। इसराइल से लेकर ईरान और रूस से लेकर तुर्की की मीडिया में यह खबर छा चुकी है। खबर यह है कि 22 अरब देशों के संगठन अरब लीग, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र और यूएई जैसे देश हैं, उसने हिजबुल्ला पर अपना रुख बदल दिया है। अरब लीग अब हिजबुल्ला को आतंकी संगठन नहीं मानता। अरब लीग के सहायक महासचिव हुस्सम ज़की ने लेबनान के दौरे पर मिस्र की मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, अरब लीग ने पहले हिजबुल्ला को आतंकी संगठन माना था। हिजबुल्ला से हमारी बातचीत बंद हो गई थी। अब अरब लीग के सदस्य मानते हैं कि हिजबुल्ला पर यह नजरिया ठीक नहीं है। अरब लीग ने 2016 में हिजबुल्ला को टेरर ग्रुप करार दिया था, लेकिन अब अरब लीग के अंदर हिजबुल्ला की इमेज बदल गई है। इससे पहले 7 मई को अरब लीग ने सीरिया को भी वापस अपने गुट में शामिल कर लिया था। हिजबुल्ला और सीरिया दोनों को हमेशा ईरान का पक्का समर्थन रहा है। ऐसे में क्या अरब लीग के फैसले को ईरान के आगे झुकना माना जाए? क्योंकि हिजबुल्ला कोई देश नहीं, एक मुल्क का मिलिशिया है और उसे लेकर अगर अरब देशों का जहन बदला है तो इसके पीछे क्या ईरान की पावर है? क्योंकि पिछले 2 सालों में ईरान ने सभी अरब देशों से अपने रिश्ते सुधारे हैं और अब इसका फायदा हिजबुल्ला को भी मिलने लगा है। हिजबुल्ला की पावर का एक और वीडियो देखिए। लेबनान इसराइल बॉर्डर पर हिजबुल्ला ने ईरान की दी हुई अलमास एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया और इस मिसाइल ने सीधे जाकर इसराइल की नेमर बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा डाला। इस तरह की टक्कर अभी तक कोई अरब देश इसराइल से नहीं ले पाया है, बल्कि गाजा पर बमबारी को लेकर अरब देश अभी तक बैकफुट पर रहे हैं। हालांकि अब हिजबुल्ला जिस तरह से इसराइल पर हमले कर रहा है, उसने अरब लीग को एक अलग प्रेशर में डाल दिया है। अरब लीग ने अब अपना फैसला बदल दिया है और यही वजह है कि हिजबुल्ला के ठिकानों पर बम गिरने के बावजूद हसन नसरल्ला बहुत खुश हैं और अरब लीग के एक्शन से बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत बड़ा सदमा लगा है। अरब देशों के रुख ने हिजबुल्ला और इसराइल का मूड बदल दिया है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि हसन नसरल्ला ने अभी तक इसराइल के खिलाफ उत्तर में जो मोर्चा खोला हुआ है, उसमें हिजबुल्ला को लगातार झटके मिले हैं। बहुत कम दिन ऐसे गुजरते हैं जब लेबनान में हिजबुल्ला के किसी लड़ाके का जनाजा ना निकले। أنه لن يثنينا أحد في هذا العالم
عن القيام بواجبنا الشرعي والأخلاقي والإنساني في مساندة أهلنا المظلومين في غزة. लेबनान में इस वक्त बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, ये लेबनान के लोग भी जानते हैं और हिजबुल्ला के समर्थक भी इस बात को समझते हैं। كل ما يصير في تشييع عم نيجي وان شاء الله بنيجي على طول وان شاء الله النصر قريبا 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 جدا وما بنخاف ما بنخاف كل شيء عم تشوف في ده المقاومة واكيد اسرائيل ما حترعبنا لا حتخوفنا ولا شيء نحن حنطلع وحنرجع على بلدنا ان شاء الله. इजराइल पर हमास के हमले को 9 महीने होने वाले हैं और इजरायली सेना पर हिजबुल्ला के हमलों को भी 9 महीने होने वाले हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक किया, 8 अक्टूबर को हिजबुल्ला ने भी इजरायली ठिकानों पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए थे। इजराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने कहा है कि हिजबुल्ला इजराइल से युद्ध की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन सच यह है कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ולא קל לתושבי הצפון. יש דבר אחד שאני יכול לומר לכם על זה, וזה של חיזבאללה וללבנון הרבה יותר קשה. זה קל לדבר מהבונקר ולשאת הצהרות. בסופו של עניין, יש שם מעל 450 הרוגים למחבלים. इसमें कोई शक नहीं कि गाजा, इजराइल और लेबनान का वॉर जोन इस वक्त बहुत एक्टिव है। इजराइल और हिजबुल्ला लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और अब डर है कि हिजबुल्ला 2006 वाले प्लान को दोहराएगा। 2006 में हुई किडनैपिंग के दौरान इजराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध भी हुआ था जिसमें दोनों तरफ बड़ा नुकसान हुआ। 2006 में हिजबुल्ला और इजराइल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था, तब इजराइल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्ला के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1000 लोगों की मौत हुई थी। यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद सीज फायर के साथ खत्म हुआ और इजराइल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। और चलिए इस बीच